तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और देखिए, जैसा कि मैंने फिर से आपको पिछले बार ही कहा था कि प्रतिवेदक जो रिपोर्टर का रिजल्ट है वो इसी मंथ आने की 99.9% संभावना है, जो कि आ ही गई है। मैंने बोला भी था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा, और देखिए रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर रिपोर्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने बोला भी था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, और देखिए जैसा मैंने बोला फिर से वही बात हुआ कि इसका रिजल्ट जो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ गया। लेकिन इस रिजल्ट में कुछ दिलचस्प बातें हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूवर्स चैनल को देख रहे हैं, बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी वैकेंसी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन से लेकर लास्ट तक, यानी उसका एग्जाम और पेपर होता है उसका एनालिस किया जाता है, साथ ही साथ उसका कटअप भी बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो बिहार के किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, क्योंकि बिहार में आने वाले इस साल 2024 में नौकरियों की बहार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको बिहार सरकार में बहुत सारी नौकरियां देखने को मिलेगी, चाहे वो बिहार पुलिस हो, सचिवालय सहायक हो, बिहार SSC इंटर लेवल हो, या फिर ग्रुप डी की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली। सो वैसे बच्चे जो चाह रहे हैं कि बिहार में हमारा जॉब हो जाए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले और अपनी सफलता को हमारे मार्गदर्शन के साथ सुनिश्चित करें, ठीक है। अब चलिए, ये तो बात हो गई, अब देखते हैं कि रिजल्ट में क्या कुछ नया है और क्या कुछ दिलचस्प बात है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो देखिए, रिपोर्टर की अगर बात करते हैं तो रिपोर्टर का ये रिजल्ट जो है वो कल आया है, और इस रिजल्ट में देखिएगा तो 16 पोस्ट पर रिजल्ट, मतलब 16 पोस्ट के लिए वैकेंसी लाया गया था, लेकिन इसमें से कुल और कुल 6 पोस्ट पर ही भरी गई है पोस्टिंग, यानी 6 पोस्ट ही भर पाया है, 10 सीट अभी भी खाली है। जैसा कि मैंने बताया था कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में आपको फरवरी मार्च में फिर से एक बड़ी बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है बिहार विधान परिषद सचिवालय के प्रतिवेदक रिक्त 16 विज्ञापित पदों पर सीधी भर्ती हेतु, यानी 16 पर नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन मेरिट बनाया गया केवल 6 अभ्यर्थियों। मेघा क्रमानुसार निम्नलिखित 6 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप सफल घोषित किया गया, यानी कुल मिलाकर के इस बार भी पिछले साल की तरह स्टोनो कह सकते हैं, रिपोर्टर का मतलब स्टोनो ही होता है, स्टोनो का सीट खाली चला गया, 10 सीट खाली चला गया। यानी बिहार सरकार में अभी भी स्टोनो की काफ़ी ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं, उनको सही कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे। किसी का मतलब स्टोनो अच्छा है तो टाइपिंग खराब है, किसी का टाइपिंग अच्छा है तो स्टोनो खराब है। सो वैसे बच्चे अगर चार हैं कि हमारा स्टोनो में हमारा जॉब हो जाए, तो उनके लिए मैं एक टिप्स देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि ये सीट वैकेंट सीट में आपका भी स्थान हो तो आप लोग स्टोनो सीख लीजिए। स्टोनो सीखने में आपको हार्डली 3 से 4 महीना लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने में समय लगेगा। बता देता हूँ कि बिहार में ऐसे बहुत सारे पद हैं, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, आने वाले समय आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर स्टोनो के वैकेंसी आने वाली है। स्टोनो में 90% बच्चों का नहीं हो पाता, इसलिए कि स्टोनो वो सीख तो लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। और इस बार भी यही हुआ, 16 पदों में से केवल 6 पद ही भरी गई हैं, 10 सीट खाली हो गई है, क्योंकि स्टोनो जो वो मांग रहा था स्पेशली हिंदी स्टोनो। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि स्टोनो में हमारा भविष्य हो जाए, क्योंकि स्टोनो में ऐसे ही फाइटिंग कम होती है, तो आप लोग स्टोनो सीख लीजिए, और खास करके हिंदी स्टोनो, ठीक है, क्योंकि हिंदी स्टोनो में 99.9% चांसेस होती है बिहार में होने का, क्योंकि बिहार में अभी भी जितने भी हमारे ऑफिशियल वर्क होते हैं, जो कार्यालय के वर्क होते हैं, उसमें हिंदी स्टोनो मांगता है, ठीक है दोस्तों। सो इसलिए आप लोग अगर चाहते हैं कि स्टोनो में हमारा हो जाए तो आप लोग स्टोनो कहीं सीख लीजिए। अगर आपको स्टोनो सीखने में कोई दिक्कत होती है, कहीं गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों का भी ये 6वें रिजल्ट हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं, चूँकि अब उनका लाइफ सेट हो गया। लेकिन अभी हार नहीं मानना, आपका इसमें हुआ है तो आप और अच्छा, सचिवालय सहायक भी आने वाला है, आप उसके लिए भी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने रहे हमारे चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।